क्या भाई लोग तुम्हारे थंबनेल में नींबू और नमक है? क्या तुम लोग भी थंबनेल की वजह से परेशान हो चुके हो? हाँ। क्या तुम लोग के भी इस तरीके का थंबनेल बनाने से व्यूज नहीं आ रहा है? अरे हाँ भाई हाँ। तो भाई लोग तुम लोग ना एकदम सही जगह पर आए हो। मगर क्यों? क्योंकि आज तुम्हारा भाई तुम लोगों को सिखाने वाला है किस टाइप से तुम लोग इस टाइप के थंबनेल को इस टाइप के थंबनेल में बदल सकते हो, जिस तरीके से टिकटॉकर्स मुजरा करके अपना ड्रेस बदल लेती है। हाँ ये कर लो पहले। सो गाइज अभी मजाक की बात साइड में, अभी थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। गाइज अभी के टाइम में इस तरीके का थंबनेल सभी यूट्यूबर्स यूज कर रहे हैं और इस तरीके का थंबनेल्स काफी ज्यादा कॉमन हो जा रहा है, इसी वजह से इस थंबनेल्स में व्यूज कम आ रहे हैं। सो गाइज इस तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए आप लोगों को यूट्यूब पे जाना है और दी विजार्ड 99 को सब्सक्राइब कर लेना। मजाक है क्या? सो गाइज इस चीज से छुटकारा पाने के लिए आप लोग नदिया एफएम और जारा एफएम जैसा थंबनेल ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इस टाइप के थंबनेल्स अभी के टाइम में बहुत कम यूट्यूबर्स यूज करते हैं। एंड अनकॉमन चीज यूज करोगे तो ऑब्वियसली थंबनेल्स पे तो क्लिक आएगा एंड वीडियो पे व्यूज आना पक्का है। तो चलिए गाइज आज का थंबनेल ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सो गाइज सबसे पहले आप लोगों को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है एंड आप लोगों को अपने गेम प्ले का स्क्रीनशॉट ऐड करके एडजस्टमेंट में चले जाना है एंड ब्राइटनेस कंट्रास्ट सैचुरेशन ठीक है इन तीनों को एडजस्ट करके फिर से एडजस्टमेंट में जाना है। अभी टेम्परेचर को आप लोगों को इंक्रीज और डिक्रीज करके देखना है, जो सही लगे वो रखना ठीक है ना। एंड उसके बाद हाइलाइट्स को इंक्रीज कर देना है एंड अभी इसको सेव कर लेना है। रिटच एप्लीकेशन के अंदर इस स्क्रीनशॉट को ऐड कर लेंगे एंड ये जो बेकार का बटन्स दिख रहा है ना, ये लुक को ख़राब कर रहा है, तो इसको इरेज कर लेंगे कुछ इस तरीके से। गाइज रिटच एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाकर डाउनलोड कर लेना। सो गाइज देख सकते हो पूरा स्क्रीनशॉट एकदम अच्छे से हम लोगों ने क्लीन कर लिया है। अभी गाइज हम लोग इसको पिक्सआर्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये स्क्रीनशॉट सीधा पिक्सआर्ट के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। अभी गाइज आप लोगों को ऐड फोटो के ऊपर क्लिक कर देना है एंड आप लोगों को फेक एनिमी पीएनजी मिल जाएगा और बहुत कुछ मिल जाएगा पैक में, तो पैक को जाकर जरूर डाउनलोड करना ठीक है। तो इसका शैडो इनेबल कर रहे हैं एंड शैडो को दे देंगे कुछ इस तरीके से। फिर से ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करो, फेक डैमेज पीएनजी जो है वो भी मिल जाएगा, ऐड करो, एडजस्टमेंट में जाओ, सैचुरेशन बढ़ाओ, ब्राइटनेस बढ़ाओ ठीक है, हाइलाइट्स बढ़ाओ, शैडोज बढ़ाओ, देख सकते हो पूरा रियल लग रहा है। एंड अभी हम लोग फिर से ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे एंड भाई वो जो पैराशूट से बंदे उतरते हैं ना, उसका भी पीएनजी देख के रखा है, अपने हिसाब से एडजस्ट करो अपने स्क्रीनशॉट के हिसाब से। देख सकते हो मैंने किया है, काफ़ी सही लग रहा है। ये थंबनेल ना इस टाइप के थंबनेल्स होते हैं भाई, क्लिक बेट थंबनेल्स होते हैं इस टाइप के थंबनेल्स ठीक है, जिसको देखकर बंदा ऑटोमेटिकली क्लिक करता है। तो देख सकते हो भाई मतलब क्या ही बताया। अब टेक्स्ट को आप लोगों को ऐड कर लेना है ठीक है। तो टेक्स्ट कैसे बनाते हैं उसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देखना ये वीडियो देखने के बाद ठीक है। तो टेक्स्ट का शैडो दे रहा हूँ मैं, बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट है, आप लोग भी बना सकते हो ठीक है। सो गाइस इस टेक्स्ट का जो PLP फाइल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर देखना वो वाला वीडियो। तो गाइस टेक्स्ट भी रेडी हो चुका है। अभी ये जो ग्रैंड मास्टर वाला PNG है इसको सिंपल से ऐड कर देना है आप लोगों को। देख सकते हो इस टाइप का थंबनेल ना क्लिकबेट भी होता है और बहुत आसान होता है इस टाइप का थंबनेल बनाना ठीक है। डुप्लीकेट करो, बाकी कैरेक्टर्स के ऊपर रख दो, बहुत ही आसान होता है और भाई बहुत क्लिक्स आते हैं, बहुत व्यूज आते हैं इस टाइप के थंबनेल से, देख सकते हो बहुत इजी है। अभी गाइज हम लोग एडजस्टमेंट के ऊपर चले जाएंगे एंड हम लोग सैचुरेशन कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइटनेस को कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर लेंगे ठीक है। ब्राइटनेस को ज्यादा इंक्रीज नहीं करना है। अभी गाइज आप लोगों को शैडोज को थोड़ा इंक्रीज और डिक्रीज करके देख लेना है ठीक है। तो शैडोज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना एंड इसको सेव कर लेंगे, थंबनेल पूरा रेडी हो चुका है।